नमस्कार, आज 20 मई आप देख रहे हैं मुंबई महास की सभी मुख्य खबरें। मनसे की चेतावनी, राज ठाकरे को नुकसान पहुंचाया तो परिणाम गंभीर होंगे। अयोध्या यात्रा से पहले चढ़ा सियासी पारा। वही महाराष्ट्र सरकार का फैसला, अब विधवा को मंगलसूत्र चूड़ियां हटाने की जरूरत नहीं। ओबीसी आरक्षण देने में विफल रही महाविकास अघाड़ी सरकार, बोले अतुल सावे। मुंबई में नालों की 78% हुई सफाई, आदित्य ठाकरे का दावा, बीजेपी का पलटवार, कहा नाला सफाई के दावे झूठे। अजीत पवार बोले 5 दिनों तक बंद रहेगा औरंगजेब का मकबरा, मनसे ने दी थी धमकी। वहीं पुणे में एक बड़ी घटना सामने आ रही है, डैम में नहाने के दौरान 8 लोग डूबे, 4 स्कूली बच्चे भी शामिल। मुंबई में सड़कों पर अब दिखेगी रफ्तार, मुंबई को 500 नई सड़कों की सौगात, 300 का काम हुआ शुरू। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे 22 तारीख को पुणे में करेंगे सभा। इस साल मुंबई में लंबा टिक सकता है मानसून, आदित्य ठाकरे ने कहा सरकार पूरी तरह तैयार है। महिला जज के साथ धोखाधड़ी, हैकरों ने चुटकी में उड़ा दिए 3.25 लाख रुपए, महाराष्ट्र के नागपुर की घटना। भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता व उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 316 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, बस टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।